अब बात पुणे की करेंगे, जहां पर हाई प्रोफाइल हिट एंड रन मामले में विवाद बढ़ने के बाद आरोपी की जमानत रद्द कर दी गई है। और आपको बताएं कि 5 जून तक अब पुलिस के रिमांड में आरोपी रहेगा। नाबालिग आरोपी का एडल्ट ट्रायल हो या ना हो, इसको लेकर जो फैसला है वो सुरक्षित रखा गया है। वहीं 24 मई तक आरोपी के पिता को भी कस्टडी में रखा गया है। पुणे हिट एंड रन केस का आरोपी एक नामी बिल्डर का बेटा है। बिल्डर का नाम है विशाल अग्रवाल। नाबालिग ने 18 मई की रात शराब के नशे में पोश कार से बाइक को टक्कर मारी थी। हादसे में बाइक सवार आईटी इंजीनियर युवक युवती की मौत हो गई थी। आरोपी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने कुछ समय में ही मामूली शर्त के साथ रिहा कर दिया था। विवाद बढ़ा तो उसे फिर बुलाया गया और जमानत रद्द कर दी गई। नाबालिग आरोपी पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत केस दर्ज किया गया है। नाबालिग आरोपी को 5 जून तक रिमांड होम में रखा जाएगा। केस में गिरफ्तार 6 लोगों में से 3 को पुणे सेशंस कोर्ट ने 24 मई तक पुलिस कस्टडी में भेजा है, जिसमें आरोपी के पिता समेत 2 बार संचालक भी हैं, जिन पर नाबालिग को शराब परोसने का आरोप है। दरअसल पुलिस ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में बिल्डर के आरोपी बेटे की जमानत के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर की थी। उसी की सुनवाई के बाद जमानत रद्द करने का फैसला लिया गया। उधर आक्रोशित भीड़ ने कोर्ट में पेशी के लिए ले जाते वक्त आरोपी के पिता पर स्याही भी फेंकने की कोशिश की। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है। बंगाल में एक बांग्लादेश के सांसद की हत्या कर दी गई। पुलिस का दावा है कि एक फ्लैट में हत्या हुई, हालांकि शव बरामद नहीं हुआ है। अब इस मर्डर केस को लेकर बंगाल से लेकर बांग्लादेश तक जबरदस्त हलचल है। बांग्लादेश ने दावा किया है कि भारत दौरे पर आए उसके सांसद मोहम्मद अनवारुल अजीम की कोलकाता में बेरहमी से हत्या कर दी गई है। इस मामले को लेकर पश्चिम बंगाल सीआईडी ने जांच शुरू कर दी है। हालांकि सांसद का शव अभी तक बरामद नहीं हुआ है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि कोलकाता के फ्लैट में उनका मर्डर कर शव को कई टुकड़ों में ठिकाने लगाया गया है। हम लोग को एक इनपुट मिला है कि उनका मर्डर कर दिया गया है। अभी ये मैटर सीआईडी इन्वेस्टिगेट कर रही, बहुत जल्दी जब सब कुछ खुल हो जाएगा तो सब बता दिया जाएगा। बांग्लादेशी सांसद कथित तौर पर इलाज कराने के लिए 12 मई को कोलकाता पहुंचे थे। उसी दिन शाम में एक फैमिली फ्रेंड गोपाल बिस्वास से मिलने उनके घर गए थे। इसके बाद 15 मई को व्हाट्सएप पर वीआईपी लोगों के साथ दिल्ली जाने का मैसेज किया था और 17 मई से उनका कोई अता पता नहीं था। इसके बाद 18 मई को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। उधर त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने पश्चिम बंगाल सरकार पर सवाल उठाए हैं। ये जो अभी इलेक्शन है, इससे पता लगेगा आने वाले दिन बंगाल का गवर्नमेंट रहेगा या नहीं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।